हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है। आज सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं, विजुअलाइज करने वाले हैं, एग्जांपल के साथ समझने वाले हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, कई सारे मेरे व्यूअर्स ने इसे मैथ्स में पढ़ा होगा, अपनी बेसिक मैथ्स में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, कई सारे सम सॉल्व किए होंगे, लेकिन इस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक अलग ही पहलू आपको इस वीडियो में जानने को और देखने को मिलने वाला है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्यों समझ रहे हैं, बिकॉज इसके आगे आने वाले जो कॉन्सेप्ट है, जैसे बेस थ्योरम, अगर बेस थ्योरम को आपको समझना है तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज द मस्ट, ये एक प्री रिक्विजिट नॉलेज है। और अगर आपको नेव बायस क्लासिफायर को समझना है तो आपको बेस थ्योरम को समझना पड़ेगा। यानी ये कड़िया किस तरीके से है कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर समझ गए तो बेस थ्योरम समझ जाओगे, और अगर बेस थ्योरम समझ गए तो नेव बायस क्लासिफायर समझ जाओगे, जो कि मुझे आप तक पहुंचाना है और समझाना है। तो उसके लिए ये जो सारी कड़िया है इनको जोड़ना बहुत जरूरी है, और ये आगे आने वाले वीडियोस में मैं जोड़ते जाने वाला हूं। और जो उसकी सबसे बेसिक कड़ी है, यानी कि जो सबसे बेसिक प्री रिक्विजिट नॉलेज है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, वो आज आपको इस वीडियो के थ्रू उसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। बड़ा इजी सा रिप्रेजेंटेशन है, पे विजुअलाइजेशन के थ्रू आप तक पहुंचाऊंगा। पहली बात तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी तो सुना है, उसमें कंडीशनल क्या है, ऐसी कौन सी कंडीशन डाली, कहां कंडीशन डाली, क्यों कंडीशन डाली, क्या फर्क पड़ता है कंडीशन डालने से, ये सारे सवालों का जवाब अभी मैं आपको देता हूं। ये एक सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है, रिप्रेजेंटेशन है फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसे रीड कैसे किया जाए, सी, फाइंडिंग आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। हाँ, यहां पे मेरे पास दो इवेंट्स है, इवेंट ए एंड इवेंट बी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए ये फाइंड करना है, गिवन दैट, सी, अभी यहां पे कहानी खत्म नहीं हुई, जब मैंने बोला फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहां पे कहानी खत्म नहीं हुई, यहां पे एक ट्विस्ट आने वाला है, यहां पे कंडीशन आने वाला है। वो ट्विस्ट और कंडीशन क्या है, वो ये है कि गिवन दैट इवेंट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया आपको इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली फाइंड आउट करनी है, लेकिन बेस्ड ऑन अ कंडीशन, बेस्ड ऑन सम ट्विस्ट, बेस्ड ऑन सम इंफॉर्मेशन। वो ट्विस्ट, वो कंडीशन, वो जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, वो कह रहा है कि भाई इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, गिवन दैट, ये हमें दिया हुआ, ये गिवन है कि जो इवेंट बी है वो ऑलरेडी अकर हो चुका है। तो जब भी आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड कर रहे हो अंडर द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जब भी आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड कर रहे हो इन दिस केस, तो आपको वो गिवन होगा, तो वो गिवन आपको दिमाग में रखना है। क्या है गिवन, कि भैया इवेंट बी पहले से अकर हो चुका है, एंड बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, बेस्ड ऑन दिस कंडीशन, हम लोगों को इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो उसका जो एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन है वो कुछ इस तरीके से आता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, आप इसे ऐसे भी रीड कर सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी, ठीक है। अब नॉर्मली आप क्या नोटिस करोगे इन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कि जब भी आप यहाँ पे डिनोमिनेटर में जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी लेते हो, इट इज नॉर्मली दैट इवेंट इज सर्विंग एज अ कंडीशन, बराबर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो दिस इज अ कंडीशन, इवेंट बी इज सर्विंग एज अ कंडीशन, तो उसी को हमने यहाँ पे डिनोमिनेटर में लिया है, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हम फाइंड कर रहे हैं एज अ इवेंट की प्रोबेबिलिटी। तो जब हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं, इसका जो भी रिजल्ट आता है, इट इज इक्विवेलेंट टू द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बराबर। तो अभी मैं यहां पे आपको इसके थ्रू, इस एग्जांपल के थ्रू, इस वेन डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं रिलेटेड विद कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, जो कि वेन डायग्राम से ही पॉसिबल है। इनिशियली क्या होता है, जब हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई, बराबर, जैसे यहाँ पे कंडीशन इवेंट बी की लगा दी कि इट हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो यहाँ पे इनिशियली मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई। तो जब मैं इनिशियली कोई कंडीशन नहीं लगाता हूं, तब जो मेरा सैंपल स्पेस होता है वो पूरा यूनिवर्स है, दिस इज द होल यूनिवर्स, ये मेरा पूरा का पूरा जो यूनिवर्स है वो इनिशियली मेरा सैंपल स्पेस है। लेकिन जैसे ही मैं सैंपल स्पेस, मतलब जैसे ही मैं कंडीशन लगा देता हूं, द टाइम आई अप्लाई कंडीशन, मेरा सैंपल स्पेस रिड्यूस हो जाता है और एक नया सैंपल स्पेस मिलता है मुझे, और वो जो नया सैंपल स्पेस मिला है उसके बेसिस पे मैं इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने वाला हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बोला है, अभी उसी स्टेटमेंट को यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने क्या बोला, इनिशियली आपका जो सैंपल स्पेस रहता है पूरा यूनिवर्स है, अब कंडीशन लगाने की बारी आ गई। कंडीशन क्या है कि गिवन दैट प्रोबेबिलिटी, गिवन दैट इवेंट बी हैज अकर्ड, तो मैं क्या करूंगा, इवेंट बी हैज अकर्ड, तो पूरा पूरा जो ये सेट है इसको ले लूंगा, पूरा ले लूंगा। तो अभी क्या हुआ, इनिशियली मेरा जो था सैंपल स्पेस इतना था पूरा यूनिवर्स, अब वो सैंपल स्पेस श्रिंक डाउन हो गया है टू दिस मच सैंपल स्पेस ड्यू टू द कंडीशन दैट वी अप्लाइड कि भैया बी ऑलरेडी हैज अकर्ड। तो ये हो गया मेरा बी वाला सेक्शन, पूरा शेड अप हो गया, और ये जो था दिस वन, दिस इज नाउ माई न्यू सैंपल स्पेस, ये अभी मेरा नया सैंपल स्पेस है। तो अभी इस सैंपल स्पेस को कंसिडर करते हुए हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है,
बराबर है कि नहीं। तो ये कंडीशन प्रूव हो गया, और इस कंडीशन के बेसिस पे अभी आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करना है। अभी रिमेंबर इन दिस केस ये वाला पार्ट जो है, ये पूरा जिसे हम प्योर ए कहते हैं, प्योर प्योर ए, कोई भी मिक्सचर नहीं है, ये प्योर ए अभी मेरे सैंपल स्पेस का हिस्सा नहीं है। अब मेरे सैंपल स्पेस के हिस्से सिर्फ दो है, एक तो आपका प्रॉपर इवेंट बी और दूसरा ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे दो ही आपको हिस्से दिख रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी एंड इवेंट बी। तो वही मैंने यहाँ पे दो फॉर्मूले में भी यूज किए हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिंपल सी बात है, क्योंकि हमारा जो अभी अंडर कंसिडरेशन एरिया है, जो सैंपल स्पेस है, वो इन दोनों को कंपोज करता है, इसीलिए मैंने उन दोनों को लिया। और इसका जो भी कंप्यूटेशन निकलेगा, इट विल बी इक्विवेलेंट टू द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट वी आर इंटरेस्टेड इन। बराबर, इसी को अभी एक, ये तो चीज आपको समझ में आ गई कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपका जो सैंपल स्पेस होता है वो श्रिंक होता है फ्रॉम द यूनिवर्स टू दिस, एंड वी गेट अ न्यू सैंपल स्पेस, एंड बेस्ड ऑन दैट न्यू सैंपल स्पेस वी हैव टू सिंपली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। बराबर, यहां तक समझ में आ गया। अभी एक एग्जांपल लेते हैं। बराबर, एग्जांपल कुछ इस तरीके से है, कुछ बच्चे, 100 बच्चे ले लो। बराबर, अब उन 100 बच्चों में से जो यहां पे बिलोंग करते हैं ए, ओके, सेट ए को बिलोंग करते हैं, वो जो बच्चे, वो 40 बच्चे जिनको एप्पल बहुत पसंद है एप्पल, ठीक है, और जो सेट बी को, प्योर सेट बी को बिलोंग करते हैं, उनमें से 30 बच्चे ऐसे जिनको संतरे बहुत पसंद है, और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, यानी कि 20 चिल्ड्रन ऐसे हैं, 20 बच्चे ऐसे हैं जिनको एप्पल भी पसंद है और संतरे भी पसंद है, एप्पल भी पसंद है, ऑरेंज भी पसंद है, दोनों पसंद है। तो यानी कि ये मिक्सचर है। तो अगर सिंपल भाषा में कहूं तो ए की वैल्यू कितनी, 40 है, ए इंटरसेक्शन बी की काउंट कितना है, 20 है, और बी की वैल्यू कितनी है, 30 है। बराबर, ये आपको समझ में आना चाहिए। अभी हमारा टास्क क्या है, इस पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगा के एक पर्टिकुलर न्यूमेरिक वैल्यू को आउटपुट देना। तो वो कैसे करूंगा, सबसे पहले तो हम लोग को क्या दिया, फाइंड क्या करना है, वी हैव टू फाइंड दिस, सिंपल यही हमें फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी इज ट्रू, गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो इसके लिए हमें दो चीजें लगने वाली, ये दोनों को अभी हमें फाइंड करना। तो कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है, पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 30/100। सिंपल सी बात है, 30/100, बिकॉज जो आपका बी है, बराबर, उसमें 30 बच्चे हैं जिनको सिर्फ ऑरेंज पसंद है और टोटल स्टूडेंट्स 100 है, तो 30/100 इज इक्वल टू 0.3 आ गया। और दूसरी चीज जो फाइंड करनी है, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है, तो 20/100 टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 100 है, तो 20/100 0.2 आ गया। तो दोनों पैरामीटर्स हमारे अभी हाथ में है, दोनों पैरामीटर्स अभी हमारे हाथ में है कि भैया 0.2 भी है, 0.3 भी है। अभी हम सिर्फ क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में उसको डाल देंगे। अब ये फॉर्मूला का इंप्लीमेंटेशन मैं पीछे बता चुका हूँ विजुअलाइजेशन में, कि कैसा सैंपल स्पेस हमारा रिड्यूस हो रहा है और यहाँ पे फोकस अप हो रहा है, ठीक है, ये नया सैंपल स्पेस है। तो अभी उसके बाद क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वी हैव टू फाइंड, गिवन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड या बी इज ट्रू, ओके, तो वो क्या हो जाएगा, 0.2, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, probability of event B। तो ये हमने यहाँ पे किया और हमें एक value मिली, एक answer मिला, that is 0.67। This is what the conditional probability numeric result is for this particular example। तो क्या होगा, probability of A given that B is true is equal to 0.67 for this particular example। तो I hope दोस्तों मैंने इस video को काफी आसान करके आप तक पहुँचा है, conditional probability को आपके सामने रखा with information and facts। ये वीडियो अगर पसंद आ गया होगा तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।